तो भाई ये है, इसके घर के बाहर आया मैं और ये फिर भी आधे घंटे बाद आया घर। ये सोसाइटी बोलता था, ये वाली बिल्डिंग्स में से बोलता था मेरा कोई घर है और रहता वहाँ पे कहीं सामने है, और वहाँ से अभी अभी निकल के आया और बोल रहा है वाह। तो हेलो भाई, स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। तो भाई जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम इस ट्रिप में जाने वाले अपनी बाइक से नई राइड के लिए, तो भाई ये रही अपनी बाइक और सामान भाई अभी अभी जस्ट बांध दिया है। बांधने का इतना नॉलेज नहीं था, तब भी ट्राई पूरा किया। और भाई ये जूते लिए राइडिंग के लिए मैंने, और भाई अभी जा रहे हैं यहाँ से, जा कर रहे हैं वो तो आपको एंड में ही बताऊँगा, आपको पता ही है मेरा नेचर। और भाई ये देखो, ये जाने वाले हैं, ये देखो तो भाई बाइक पूरी रेडी हो चुकी है और मैं ब्लॉग यहाँ से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि भाई मेरे को ना मैप देखना था आते समय, तो इसलिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है ब्लॉग। एंड अब चलते हैं आगे एंड आपको दिखाते हैं हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं और इस बाइक से हमारा क्या एक्सपीरियंस होने वाला है, सब आपको शेयर करूँगा, एक एक डिटेल मैं आपको शेयर करूँगा, जल्दी पता चलेगी। और इनको देखो और भाई बाइक एक नंबर लग रही है इस टाइम पे। और भाई मैंने ना इसमें माउंट भी लगाया है, तो कोशिश करूँगा कि मोटो व्लॉगिंग भी हो पाए तो भी करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं आगे। और भाई साहब नी पैड वगैरह भी लेके आए हैं, तो लगाते हैं इनको भी और फुल प्रोटेक्शन के साथ चलते हैं। चले फिर भाई, मतलब हमने सारी चीज़ें तो सोची, पर हमें नहीं पता था कि ये बैग बांधना इतना ज़्यादा मुश्किल होगा, बट फाइनली हमने किसी तरह इसे बांध लिया है। सो भाई देखो, भाई को प्रोटेक्शन की चिंता है हमारी, तो भाई नी पैड बांध रहे हैं। वाह, भाई ने गिफ्ट कर दिया मुझे आज से, ये है ना भाई, गिफ्ट कर दिया ना। वाह 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 वाह, आई एम अ राइडर प्रोवाइडर। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे दोस्त मोहित बाबू भैया बन चुके हैं हेरा फेरी वाले, और हम बिल्कुल आई गेस बैंक में डाका डालने के लिए तैयार हैं, ऐसा तो लग ही रहा है। सो हमारी सवारी भी तैयार है और हम भी तैयार हैं, चलते हैं फिर। तो भाई अभी यहाँ पे रुके थे आलम बिरयानी पे, जो कि यहाँ की फेमस बिरयानी है मुरादाबाद में। तो भाई अभी यहाँ से हमने बिरयानी बिरयानी खा ली है, बहुत ही मज़ा आ गया खा के। तो ये वाली दुकान है भाई, आना हो तो आप भी आ सकते हो यहाँ पे। और भैया कुछ बताओ यार अपनी दुकान के बारे में, कहाँ पे पड़ती है ये, कौन सी लोकेशन है ये? मुरादाबाद बिरयानी, आलम बिरयानी है, गल शहीद चौराया। अच्छा, गल शहीद चौराया, ठीक है, ये उधर ही पड़ती है। एंड वैसे भी मैप पे डालोगे तो आई जाएगी, और हम भी मैप से ही आए हैं, मैप पे डालोगे आ जाएगी आराम से। चलते हैं फिर यहाँ से, बिरयानी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया था भाई, अगर आओ तो यहाँ पे जरूर खा के जाना। चलो आगे चलते हैं। तो भाई अभी यहाँ पे रुके हैं, ये सेकंड ब्रेक है हमारा पेट्रोल का। तो अभी इसमें 750 के आसपास पेट्रोल डलाया अभी हमने, और हमारी हालत कुछ इस तरीके से है। अभी हमने चला दी कितनी, 250 किलोमीटर अभी तक हमने चला लिया भाई। गूगल मैप से आ रहे थे और भाई ये यहाँ से रास्ता दिखा रहा है, देखो और आगे देखो, गूगल देवता जिंदाबाद है भाई, ये गूगल माता ना नेक्स्ट लेवल है, कहाँ से कहाँ ले जाती है भैया। अब वापस मोड़ना पड़ेगा, और इन जनाब को देखो ज़रा, अभी देखो इन जनाब को देखना क्या कर रहे हैं वहाँ पे जाके, सब इनको डॉग दिखे, ये कतई डॉग लवर हो रहे हैं। अभी रुकते हैं यहाँ पे, और बैग कुछ इस तरीके से हमने बांध दिया है, और कितने छोटे छोटे हैं भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही छोटा। और भाई कहाँ जा रहे थे, कहाँ से कहाँ ही आ गए, और इनको देखो ये ना मान रहे, भैया उनकी मम्मी आ जाएगी काट लेगी। अभी भी भाई यहाँ से अराउंड 140 किलोमीटर पड़ा है मुक्तेश्वर, बट हम मुक्तेश्वर नहीं जा रहे, और मैंने आपको बताया नहीं हम जा कर रहे हैं, हम जा रहे हैं नैनीताल, नैनीताल से होते हुए हम मुक्तेश्वर जाएंगे। एंड उसके बाद हम आगे भी देख रहे हैं, कुछ अगर मिलता है तो वहाँ भी जाएंगे। और इन देखो देखो, ये देखो कहाँ चला गया भाई, कतई डॉग लवर है ये बंदा, मतलब वहाँ जाके ना पिल्लू को उठा के लेके आ रहा है ताकि खेल सके उसके साथ।
क्या मतलब वहां से रास्ता हमें बनाना पड़ेगा? रास्ता नहीं है, चल के देखते हैं, फोर्डिंग टेस्ट करेंगे। हेलो, वो कितना छोटा है भाई ये, बहुत छोटा है। इसको कुछ हो भी गया, इसके बाल वाल उड़ गए, लग रहा है कुछ चिपक गया इसके, वो हो रहा है इसको, मैंजे हो रहा है उनका, है वो होने लगता है, बीमारी है। अच्छा चलो बाय बाय। और भाई हमने पेट्रोल अभी दोबारा फुल करा लिया था और अभी चली है 262 किलोमीटर, और उसके बाद हमने दोबारा से रीफ़िल कराया इसको, अराउंड 750 रुपये में दोबारा रीफ़िल हुआ है। और अब वापस चल रहे हैं रोड के ऊपर, तो हमने सोचा अंदर से पेट्रोल भराया तो ये रीरूट हो गया था, तो रीरूट होके हम जा रहे थे, तो हमने सोचा आगे से रास्ता निकल जाएगा, बट नहीं निकला, अब वापस ही जाना पड़ेगा लग रहा है, और चलते हैं वापस। जिससे क्या पेट्रोल भरवाने आए थे और अंदर से रॉन्ग दिखाने लगा, तो वापस इसी रूट पे आ गए। और अभी दिखा रहा है यहाँ से 115 किलोमीटर मुक्तेश्वर दिखा रहा है, बट हम मुक्तेश्वर नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं पहले नैनीताल, और सोच रहे हैं वहीं पे जाके स्टे करेंगे। चले फिर से चले। तो भाई यहाँ रुके थे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए, भाई थक गए थे चला चला के, और भाई फुल राइडर है। ये देखो भाई नी पैड भाई ने गिफ्ट किए मुझे, ऐसे दे दियो। और भाई बैग कुछ इस तरीके से, इस टाइम पे हमने इसको यहाँ बांधा था, ये थोड़ा पीछे हो गया और अटका हुआ है अभी पता नहीं किसी चीज़ पे, तो जैसे तैसे करके अटका तो हुआ ही है। और चले फिर, चलो फिर। ओहो बंदर बंदर दिख रहे हैं भाई यहाँ पे, तो फुल जमावड़ा है भाई बंदरों का यहाँ पे, और रास्ता भाई एक नंबर हो रखा अभी, बंदर चले गए इधर, चढ़ा दे इधर रुद्रपुर, यानी कौन सा स्टेशन है ये? रुद्रपुर डिस्ट्रिक्ट चल रहा भाई अभी भी। उत्तराखंड में आपका स्वागत है, ये देखो नैनीताल में आपका स्वागत है। तो भाई फाइनली नैनीताल यहाँ से रह गया है 58 किलोमीटर, अल्मोड़ा 111, हल्द्वानी 80। भाई यहाँ पे अभी रुके थे ब्रेक के लिए, और यहाँ से नैनीताल का रास्ता है, थोड़े मोड़े पहाड़ भी दिखने लगे हैं, और हम अभी चल रहा है अमरूद ब्रेक। नहीं खाएंगे भैया, खाएंगे, खाओगे? खाएंगे। आया है कैप्टन है, रस्ते में रुके थे सेटअप करने के लिए, कैमरा वगैरह ऑन करने के लिए, और भाई ग्लव्स पहनते हैं। और यहाँ से ना रास्ता बड़ा अच्छा होने वाला है, और पीछे भाई बहुत गर्मी थी, और अब जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर किया ना, क्या सर्दी चालू हुई है ना, मज़ा ही आ गया। अभी यहाँ से ठंड लग रही है गंदी वाली, अभी यहाँ पे लग भी रहा है मौसम खाने वाला, नीचे तो ऐसा किचकिच गर्मी, 15 मिनट पहले इतनी गर्मी से मर रहे थे और आते यहाँ पे सर्दी हो गई, और अभी तो और ऊपर जाएंगे तो कितना सर्दी होगा भाई। क्या नज़ारा है ना यहाँ पे, और क्या ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना चलाने में, अब लग रहा है कहीं आए हैं भाई, अब लग रहा है दिल्ली के बाहर निकले हैं। अभी तक तो ऐसा किचकिच में बाइक चला रहे थे ना, तो कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा था, और अभी तक 325 चल चुकी है बाइक। अभी नैनीताल यहाँ से 13 किलोमीटर दिखा रहा है मैप के ऊपर, तो और भाई ये वाला ब्रिज कितना सही लग रहा है, अब इसी को पार करने वाले हैं, पार करने वाले हैं। ओ भाई ये देखो, क्या मस्त नज़ारा है भाई यहाँ से, इस पर चल के ना जो मज़ा आ रहा है ना अलग ही है। लेकिन ऑफ रोडिंग आ गए भाई, ऑफ रोडिंग एक्सपल्स ऑफ रोडिंग। भगवान बजरंग बली का मंदिर है वे, लेके जाएंगे लकड़ी। एक आपका मतलब कि किधर लेके जाओगे आप? नीचे गांव है क्या कोई? नीचे नहीं, ऊपर ऊपर है क्या गांव? अच्छा ठीक है।
नैनीताल जा रहे हैं। अरे इधर से कोई बता दिया हमारा कट गया भाई, गंदा वाला कट गया। कब से बाइक पेले जा रहे हैं। चलो भाई हमने दूसरा रास्ता पकड़ लिया। अबे तो भाई आपने नैनीताल आने का ये वाला रास्ता शायद ही देखा होगा, बाकी हमने पहली बार ही देखा है। और इस रास्ते से हम बाइक चला के जा रहे हैं और एक अच्छा रास्ता भी है, बट हमारे साथ क्या हुआ, हमारा कट गया। हम इस वाले रास्ते से चढ़े गए और हमने थोड़ा सा एक कट मिस कर दिया, इसलिए हम थोड़ा आगे आ गए और जिसकी वजह से हमें ऐसे रास्ते से नैनीताल जाना पड़ रहा है। और जैसे तैसे करके हमने उसको चढ़ा दिया। और यहाँ से जो नज़ारा है ना भाई, ये देखो क्या नज़ारा है। और सनसेट हो रहा है सामने, कितना ही मस्त लग रहा है भाई। और इतनी इतनी मुश्किल से चढ़ाया है ना हमने इसको यहाँ से, मतलब एकदम से जज्बात ही बदल गए। हमें तो लगा ही नहीं कि यहाँ से भी ये रास्ता ऊपर की साइड के लिए जाने के लिए है। तो भाई हाँ भाई कैसा रहा ये नज़ारे देखो, कितने सुंदर हैं भाई। ओ भाई भाई इस वाले रास्ते से ही आए हम, चढ़ा चढ़ा के लेके आए उसको पूरा ऊपर तक और यहाँ पे ऊपर लेके आए। बहुत ही मुझे तो वो वाला मेन रास्ता लग रहा है, देख वहाँ पे जो है वो वाला कहीं ये थे। और यहाँ का नज़ारा बहुत ही बढ़िया। अब चढ़ रहे हैं वापस और यहाँ से कुछ 6 किलोमीटर रह गए। स्टार्ट करके फर्स्ट गेट पे डला हुआ है, यहाँ से निकालते हैं। ओ भाई चढ़ जाएगी ना, बैठो। चढ़ गए? यस। लिख दो। नहीं फर्स्ट गियर में ही चढ़ेगी यहाँ पे, तो सेकंड गियर से गियर डालते ही पीछे भागने लग जाती है गाड़ी, बंद होने लग जाती है। तो यहाँ पे तो फर्स्ट गियर का ही ऑप्शन बनता है। और ऊपर से ऑफ रोडिंग और है। और ये वाला देखो रास्ता आगे, और ऐसे ही है रास्ता सारा का सारा। वैसे मैंने सुना है नैनीताल का रास्ता सही है, बट हम आ गए गलत वाले रास्ते से, अनएक्सप्लोर्ड जगह से आ रहे हैं। और यहाँ का नज़ारा बहुत ही अच्छा है। ओ भाई ऊपर देखो कैसे जाना है भाई। और एकदम से ना रास्ता बिल्कुल चेंज हो जा रहा है, अंधेरा होने लग गया, जल्दी हो गया अंधेरा। कहाँ मुड़ना है? इधर पीछे मुड़ना है ना। मेरे को लगा होटल के लिए बोलेगा, होटल लेना। अभी क्या रास्ता है भाई, पेड़ों पे भी ना मतलब पत्ते उग गए हैं भाई, उनके सीलन से ना जहाँ पे लकड़ होती है उधर भी पेड़ उगे हुए हैं, ऐसा लग रहा है काई जम गई है पूरी। अरे कहना क्या चाहते हो? तो भाई फाइनली नैनीताल आ चुका है। इसको हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने इसको मनाली बोल दिया गलती से। तो भाई तो भाई ये आर्मी एरिया था, यहाँ से निकलते हुए जा रहे हैं और ये भाई ये है पूरा नैनीताल। और अभी यहाँ से जाते हैं रास्ते से और सनसेट हो रखा है, पूरा मस्त नज़ारा आ रहा है यहाँ से। और चलते किधर जाना है? अब ये वाली रोड थी जिस ये वाला रास्ता था भाई जिससे हम आने वाले थे, बट हम आ गए पता नहीं नीचे अंदर से, पता नहीं कौन सा ऑफ रोड ले गया उसने, उधर से आए हैं। बट चलो यार जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, लिया नहीं है कुछ भी, बुक किया नहीं है। तो देखते हैं होटल का क्या सीन रहता है और बताते हैं आपको क्या बन रहा है, कैसा क्या सीन है। तो भाई ये रही मनाली निकल रहा है बार बार, मॉल रोड दिखा रहा है। तो ये है भाई मॉल रोड नैनीताल की। अभी आएंगे यहाँ पे, पहले अभी होटल देख ले हम कहीं का, और कहीं होटल मिल जाए बढ़िया सा तब देखते हैं आगे क्या करना है। तो ये है मॉल रोड, किस साइड जाना है? अरे ये रही, ये तो लेक है नैनीताल लेक, इसको तो कल अच्छे से कवर कर देंगे। यहीं पे रुक के ना रूम वगैरह देखते क्या सीन है क्या नहीं, ठीक है? उधर लगाए पार्किंग में या इधर ही लगाए? चल इधर लगाते सामने, पैसे तो नहीं मांगेगा।
ओ भाई सामने है लेक भाई, फाइनली नैनीताल तो पहुंच चुके हैं। अभी होटल वोटल लेते हैं और देखते हैं, देन उसके बाद बात करते हैं। तो भाई फाइनली रूम मिल गया है हमको और बड़ी मेहनत करने के बाद मिला है, और इसको देखो जरा किसे कैसे कूद रहा है पीछे। और भाई काफ़ी अंदर जाके लिया हमने, हम हमेशा सस्ते की तलाश में रहते हैं जैसा कि आपको पता ही है, कहीं भी जाएंगे सस्ते सस्ता रूम ढूंढेंगे, बट इस बार थोड़ा सा सही मिल गया है, मतलब 500 रुपये के अंडर तो बढ़िया मिल गया है। वैसे माँ भैया ने 800 बोले थे, तो बार्गेनिंग करके 500 में मिल जाएगा, और बाहर पार्किंग का मिल ही जाएगा आपको कुछ इस तरीके से है बाहर से। और अपनी धन्नो यहाँ खड़ी है बाहर, और भाई इसको मैं यहाँ से चढ़ा के लाया हूँ, बिल्कुल अभी अंधेरे में दिख नहीं रही है। यहाँ पे पहुँच तो चुके हैं, अब यहाँ से हम कल जाएंगे और नैनीताल को थोड़ा घूमेंगे, दिखाते हैं आपको किस तरीके का है नैनीताल, एंड चलते हैं आगे। सो फिर हम निकल गए मॉल रोड घूमने के लिए, तो कुछ इस तरीके से दिख रहा था रात को, एंड थोड़ा अंदर एक्सप्लोर किया तो कपड़ों वपड़ों की भी शॉप्स थी काफ़ी अच्छी अच्छी, एंड एक फेमस मोमोज थे वो भी खाए हमने। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। यहाँ पे हमने कुछ दोस्त बनाए भाई, ड्राइवर लोग थे, मजा आ गया उनसे बात करके, बातचीत भाई, उन्होंने जेन्युइन एक्सपीरियंस दिया अपना कि उनको कैसा लगता है। बबुआ बस ठीक है, अब यहाँ पे हम भाई देखो माहौल कैसा है, और ये जो नोट गिन रहा है ना, इस बंदे ने 2000 की जगह 20,000 डाल दिया, और देखो 20,000 निकल के आ गया। अब यहाँ पे चुपचाप किसी को बताना नहीं है, नहीं तो इन सबको पता चल जाएगा 20,000 है भाई के पास आज। क्या हो गया भाई 20 सैलरी दबा दिया है वो भाई ने ना, अपनी सैलरी प्रिंट कर दी। ये लो, वापस जाएगा नहीं जाएगा, घर लेके जाओ उसको, अब चलो पकड़ो पकड़ो, ध्यान से रखना भाई, सही बता रहा हूँ ध्यान। Day 2। तो सुबह कुछ इस तरीके का माहौल है होटल के बाहर, एंड यही हमारा कमरा है। यहाँ पे क्या कर रहे हो, 20,000 उधर पड़ा है भैया, उधर चलो, रूम खुला है साले, सही में खुला है, भाग साले क्या क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह से। ओवर एक्टिंग कर रहा है, थर्ड क्लास ओवर एक्टिंग कर रहा है, थर्ड क्लास ओवर एक्टिंग कर रहा है, पर्स जेब में लेके घूम रहा है। चले हो गया तुम, कहीं हो चुकी है सब, आज है डे 2 और टाइम कितना हो रहा है भैया, टाइम बताओ। 10:45 हो रहा है अभी, और नहा वाके रेडी हो गए। तो भाई इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं भाई, तू रहने दे मैं करता हूँ। क्या भाई, चलो तुम कर लो इस बार। सो गाइस पार्ट 1 यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं फिर पार्ट 2 में, और पार्ट 2 के अपडेट्स आपको जल्दी ही आते रहेंगे, और तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।